तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और बताओ कैसे हो। तो अभी दोस्तों सारे सोए हुए, 6 बज गए और काफ़ी दिन के बाद आज मेरी एक्सरसाइज शुरू है। तो चलो दोस्तों चलते हैं, पहले अपने चद्दर को पटा के रखते हैं, अपने बिस्तर को सही करके, फिर आपको लेकर चलते हैं अपने प्रैक्टिस स्पॉट पे। हर रोज़ मैं हनुमान जी को दोस्तों अपनी डाइट से चने देता हूँ, उनको भी रोज़ हर रोज़ चने देता हूँ। मतलब अपनी डाइट के मैं चने जो रखे होते हैं ना, रोज़ इनको चढ़ाता हूँ हनुमान जी को। लो खा लो, खा लो, अब खाएंगे वो। देखो वो, देखो अभी खा लो, ये देखो कितना प्यारा है, किड्डू है बेचारा, कितना प्यारा है। ज़िंदगी में दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना ही पड़ता है, ज़रूर खोना पड़ता है, उसके बाद ही बंदा कुछ। तो हेलो दोस्तों, देखो जो पहली वर्कआउट मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले दोस्तों मैं काप से शुरू होता हूँ, पिडली से, यहाँ से शुरू होता हूँ और फिर लेग, उसके बाद आता हूँ एब्स पर, सिक्स एब पर, उसके बाद आता हूँ चेस्ट पर। चेस्ट पर आने के बाद दोस्तों फिर मैं आता हूँ बी शेप पर, बीम लगाता हूँ, उसके बाद दोस्तों बाइसेप और ट्राइसेप, फिर लास्ट में दोस्तों मैं लगाता हूँ ट्रैप के शोल्डर्स भी। तो चलो ये देखो दोस्तों घर पे मेरा पिडलियों का एक्सरसाइज वर्कआउट, दो सेट लगाता हूँ दोस्तों, मैं ज़्यादा नहीं लगाता, खाली ओनली ऑन 10-15 रेपिटेशन के दो सेट लगाता हूँ ओनली, ज़्यादा नहीं लगाता, बट लगाता बिल्कुल तरीके से हूँ। तो आप लोग देखो कैसे लगाते हैं पिडली का। तो ये देखो दोस्तों ऐसे खड़े हो जाना है, अगर बेट हो आप लोगों के पास, जिम में हो या घर पे कहीं भी, किसी बोरी में रेता डाल के भी कर सकते हो आप बेट, बेट डालने के बाद, पर बेट भी आप तब डालो जब आपको लगे कि हम बेट उठा सकते हैं। तो पहले आपको ऊपर की तरफ पुश होना एकदम से ऐसे, फिर यहाँ पे आपको पिडलियों पर मतलब कि पूरा मतलब कि लगना चाहिए कि आप पिडली का कर रहे हो, फिर आपको नीचे आना है आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ऐसे करके दोस्तों, फिर आपको दूसरी बार ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। कम से कम आपको दोस्तों इसके 10-15 रैप लगाने हैं और 2-3 सेट लगा सकते हो आप, बहुत है। तो ऐसे करता हूँ मैं, 3, ये हो गया मेरा 4, और ये हो गया 5, और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 तो अभी दोस्तों मुझको कम से कम, मैं आज एक हफ्ते के बाद प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं जलंधर गया था, आप लोगों को पता मुझको टाइम नहीं लगा। तो अभी आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बताऊंगा लेग की, लेग की एक्सरसाइज दोस्तों मैं लगाता हूँ ऐसे करके, तो ऐसे करके लगाता हूँ लेग की, मैं नॉर्मली लगाता हूँ लेग की, कोई मैं इतनी डेंजर नहीं लगाता। ये देखो ये बैठ गए हम, और ऐसे वेट लेना तो वेट ले लो आप, वेट से सबसे ज़्यादा हेल्प होती है हमको वेट लेने से, वेट हो तो हमको बहुत हेल्प होती है वेट से, तो इतना ध्यान रखिएगा कि वेट की बहुत हेल्प होगी आपको। तो ये देखो सेकंड एक्सरसाइज अब मेरी, इसको करेंगे हम ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे उठेंगे दोस्तों, आहिस्ता आहिस्ता आना, पूरा नीचे नहीं आना, यहाँ से ऐसे मुड़ जाना बस, यहाँ से ऐसे करके मुड़ना, इसके भी 10-15 रैप लगाने हैं आपको ऐसे करके, ये करके। और कम दोस्तों आपने जब भी सेट लगाना है, कोई भी सेट लगाना है ना, तो आप जिस भी चीज़ का सेट लगा रहे हो तो आपको उसी चीज़ पर महसूस होना चाहिए कि आप इस चीज़ का सेट लगा रहे हो, बाइसेप का लगा रहे हो, बाइसेप पे पूरा फोकस होना चाहिए आपका, किसी भी लगा रहे हो। अब मैं लगाऊंगा सिक्स एप का, ये देखो दोस्तों 1 मंथ के अंदर अंदर, अभी 1 मंथ नहीं हुआ आपको ही पता है, 20 दिन के अंदर अंदर एप्स बना दिए, आपको बोला था ना 1 मंथ में बना दूंगा।
और दोस्तों मैं सिक्स ऐप की ओनली एक ही एक्सरसाइज लगाता हूँ, कोई वो नहीं लगाता ऐसी वैसी, हर तरह की एक्सरसाइज है, वो नहीं मैं बोलता हूँ कि कोई तरह की भी नहीं है, हर तरह की बहुत सारी है, आप हर तरह की कर सकते हो, बट मैं ओनली आज तक मैंने एक ही तरह की है, सिर्फ एक ही एक्सरसाइज करता हूँ सिक्स ऐप की एप्स की, और उसमें साइड के भी बन जाते हैं आपके ऐप्स। तो इसके लिए करने के लिए दोस्तों, और इसमें गेनिंग बड़ी जल्दी होती है ऐप्स की, और इसमें लोअर जो पार्ट होता है ना नीचे का दोस्तों, ये वाला पार्ट इसमें गेन होता है जल्दी, लोअर नीचे का पार्ट गेन करना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। तो ये देखो मैं ऐसे करता हूँ, दो सेट लगाता हूँ इसके भी, हर चीज़ के दो ही सेट लगाता हूँ, जब मेरे को एक से दो महीने हो जाते हैं, दो महीने के बाद जाके मैं तीन सेट करता हूँ हर चीज़ के, फिर जब आप चार से पाँच महीने हो जाएं फिर आप चार सेट कर सकते हो, तो आप जिम भी जा सकते हो बाद में, चाहे जिम ना भी जाओ घर पे ही करो। देखो ऐसे करता हूँ मैं, बस ये सेट है मेरा सबसे बेस्ट सिक्स ऐप के लिए, ऐसे नीचे आए, ऐसे रैप लगाए वन, ये देखो ऐसे, ये पहले दिन तो आपका माथा जो है यहाँ पे घुटने पे लगेगा ही नहीं, ठीक है ना, यहाँ तक जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे लग जाएगा, इससे कमर को भी आपके फ़ायदा है। तो मैं इसी तरह से दो सेट लगाता हूँ इसके भी, 10-15 रेपिटेशन के, ये सिक्स ऐप की। और दोस्तों चेस्ट के तीन सेट लगाता हूँ मैं, फर्स्ट सेट मतलब मिडल चेस्ट से शुरू करता हूँ मैं, पुशअप लगाता हूँ, और पुशअप में ही मतलब ऊपर वो पीछे डंगा देख रहे हो उस पर हाथ रख के ऐसे ऊपर की तरफ गेन होके उससे लोअर की करता हूँ मैं, और हाथों से खाली ऐसे करके अपर की तीन सेट करता हूँ चेस्ट के। तो अभी मैं आपको चेस्ट का ये देखो पुशअप ऐसे लगाता हूँ मैं, जब भी पुशअप लगाना है तो नीचे की तरफ दोस्तों बिल्कुल ही आराम से आना है, और जब ऊपर की तरफ आपने पुश होना है वापस तो एकदम से ऊपर जाना है, पूरी खिंच मतलब कि आपकी चेस्ट पर पूरा लोड आना चाहिए, ऐसे आपको ऊपर जाना है। तो ये देखो ऐसे आना है और ऐसे करके आपको ऊपर आना है, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आपको इसके भी दो ही सेट लगाने हैं 10-15 रेपिटेशन के, जब आप नए नए लगा रहे हो। तो मैंने सिर्फ 12 लगाया, अभी और भी लगा सकता था, ऐसे करके तीन सेट लगाने हैं आपने। अभी आपको मैं सेकंड सेट भी दिखा। तो ये देखो दोस्तों लोअर चेस्ट के लिए इसके ये जो नीचे का पार्ट है ना दोस्तों, ये इसके लिए लोअर चेस्ट के लिए दो सेट मैं हमेशा यही लगाता हूँ, ऐसे आपको हाथ रख लेना, ऐसे मतलब कोई डंगा हो, थोड़ा ऊँची सी जगह हो, जो कम से कम 2.5 फीट 3 फीट 2 फीट से ऊपर हो, उस पर ऐसे हाथ रख के नीचे की तरफ आपने सिंपल जाना है ऐसे, ठीक है, जब आपने ऊपर की तरफ उठना है ना तो आपने ऐसे नहीं उठना, जैसे आप नीचे आए हो ना वैसे नहीं उठना है आपने, तो आपने उठना कैसे है, नीचे आए और ऊपर जाना है तो आपने ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे पीछे की तरफ इसको पुश करना है, इस चीज़ को ऐसे करके पुश करना है ताकि ये चीज़ लोअर नीचे को आए, ऐसे आए फिर ऐसे खींच के करना है इसको, तो ये नीचे को आएगी आप ऐसे, ये तो तुम आपको दो सेट लगा सकता, पहले ऐसे करना आपने नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ आपको दोबारा पुश होना है, ऐसे आराम से नीचे आना है फिर ऐसे करना है, तो ये आपका लोअर का लगेगा, और मिडल का भी आपको बताया मैंने, ऐसे करके आपको बिना किसी चीज़ के ऐसे कर लो हैंड लेके ना, ऐसे करके ऐसे ऐसे करो ऐसे, ये चीज़ क्या, ये तीन सेट लगाओ चेस्ट के। और ऐसे दोस्तों मैं अपना तीसरा सेट लगाता हूँ चेस्ट का, कंप्लीट करके अपर चेस्ट का, ये देखो। और दोस्तों एक दो दिन दो चार दिन के अंदर अंदर आप लोगों के लिए मैं रेसिस्टेंस बैंड की एक्सरसाइज भी लेकर आऊँगा, रेसिस्टेंस बैंड से हम घर पर ही कैसे एक्सरसाइज करें और रेसिस्टेंस बैंड से हम कौन कौन से एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये देखो ये तीसरी मेरी एक्सरसाइज है चेस्ट की, अपर चेस्ट की, ये वाली चेस्ट की, ऐसे करता हूँ
और ऐसा करता हूँ, एक इसके भी दो ही सेट, 10 से 15 रेपिटेशन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 15 ऐसे। तो चलो दोस्तों, आज आप लोगों को दोबारा से 20 दिन की ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देता हूँ। आपको भी पता है, एक हफ्ते से मेरा फिटनेस का कोई ब्लॉग नहीं आया, मैं जलंधर गया हुआ था इसलिए। तो लो दोस्तों, आप लोगों को बॉडी भी दिखा देते हैं। मैंने वो सोचा दिखानी नहीं थी, फिर भी दिखा रहा हूँ। लो देखो, चेस्ट देखो दोस्तों, 8 एब्स,